अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसी बैटरी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें हर दूसरे तीसरे महीने पानी डालने का झंझट ना हो, हर 3 साल 4 साल में आपको बैटरी ना बदलनी पड़े, बैटरी की स्क्रैप वैल्यू उतनी हो जितना रुपए में आपने बैटरी खरीदी थी, और मैं आपको ये बोलूं कि ये बैटरी की कीमत इतनी कम पड़ने वाली है कि ट्रेडिशनल बैटरी जो आप ट्यूबलर बैटरी लेते हैं अगर उससे भी कम कीमत में आपको इस तरह की बैटरी मिल जाए तो क्या आप इस तरह की बैटरी लेना पसंद करेंगे? तो फ्रेंड डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि बिल्कुल पसंद करेंगे। तो ये वीडियो आज आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर पे 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगा है तो कौन सी बैटरी आपके घर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो जाती है। बैकअप की बात करें, लाइफ की बात करें, कीमत की बात करें, ROI की बात करें या फिर स्क्रैप वैल्यू की बात करें, ये बैटरी पड़ने वाली है सारी बैटरियों पे भारी। चूंकि वक्त के साथ में टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है तो बैटरी में भी बहुत सारी रेवोल्यूशनरी चेंज हुए हैं, बैटरी की टेक्नोलॉजी में चेंज हुए हैं, और अगर आप जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने घर के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको विद फैक्ट आपको एक एक चीज़ इसमें बताता चलूंगा। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स यहीं से वीडियो स्किप कर देंगे, वीडियो के लास्ट में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को आप कंटिन्यू पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद में आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो के अंदर कहीं 15 सेकंड भी मैंने इस वीडियो की लेंथ को अनवांटेड बढ़ाया हो। तो जो लोग भी टेक्नोलॉजी समझते हैं, जो लोग भी फैक्ट पे बात करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपको जरूरत ही क्यों है किसी भी नई टेक्नोलॉजी की जब आपके पास में ऑलरेडी ट्यूबलर टेक्नोलॉजी है। ट्यूबलर में भी कई तरह की टेक्नोलॉजी आपने देखी है जिसके अंदर C10 है और C20 बैटरी है। C20 बैटरी को इन्वर्टर बैटरी बोला जाता है और C10 बैटरी को सोलर बैटरी बोला जाता है। और आपको इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू भी मिलती है, सभी लोग इस बैटरी के साथ में यूज हो चुके हैं। तो आखिर जाना ही क्यों है, नई बैटरी पे हम लोगों को स्विच ही क्यों होना है? तो स्विच इसलिए हम लोगों को होना है कि जो ट्यूबलर बैटरी हैं उनके बहुत सारे इस तरह के डिसएडवांटेज हैं जो आज तक आपको पता नहीं होंगे। तो कुछ डिसएडवांटेज मैं आपको एक्सप्लोर कर देता हूं। तो लेड एसिड बैटरी का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि लेड एसिड बैटरी से अगर आप बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से लेड एसिड बैटरी को अपने घर पे लगाना चाह रहे हैं तो बैकअप के मामले में लेड एसिड बैटरी एक कंप्लीट फेल बैटरी है। जैसे कि बैटरी के नाम में ही छिपा है कि C10 या C20, C10 मतलब 10 घंटे के अंदर आप बैटरी को चार्ज करेंगे तो आपको उस बैटरी से डिजायर आउटपुट मिलेगा। अगर C20 बैटरी है मतलब 20 घंटे में अगर आप उस बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तो आपको डिजायर आउटपुट उसे मिलेगा। पर आज की डेट में आपके घर में बहुत सारे इस तरह के अप्लायंसेस हैं जहां पे एक लो डिस्चार्ज की आपको जरूरत नहीं है, आपके घर पे इंडक्शन है, समरसेबल है, AC है, तो ये इस तरह के हायर लोड्स होते हैं जो बैटरी से एक हाई लोड को बहुत तेजी के साथ में डिस्चार्ज करते हैं। तो उस टाइम ये बैटरी जो उसकी रेटेड कैपेसिटी है उस रेटेड कैपेसिटी का भी आधा या उससे भी आधा रह जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए कि 12 वोल्ट की 150 Ah की बैटरी है जो कि बैटरी 13.8 वोल्ट तक चार्ज होती है। तो वॉट का सीधा सा फार्मूला है कि वोल्ट में अगर आप एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉट बन जाएगा। तो अगर 150 Ah बैटरी की बात करूं तो 2000 वॉट की एक बैटरी मानी जाती है। 2000 वॉट का मतलब है कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 2000 वॉट इसके अंदर एनर्जी डालनी पड़ेगी। पर जब इस बैटरी को इसकी डिजायर कैपेसिटी पे मतलब अगर C10 है और 10 घंटे के अंदर आप इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं तो जब आप उससे बैकअप लेंगे तो मात्र आपको 1 किलोवाट ही बैकअप मिल पाता है। अब अगर यहाँ पे आपने 5 घंटे के अंदर इस बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया तो आपको मात्र 500 वाट ही इससे बैकअप मिलना है, और अगर आपने 2 घंटे के अंदर इस बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया तो बैटरी से मात्र 300 या 400 वाट का ही बैकअप आपको मिलता है। चूंकि अब से पहले बिजली के रेट बहुत ज्यादा नहीं थे तो तब तक ये जो लॉस है ये झेला जा रहा था, अभी बिजली के रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। स्मार्ट मीटर आपके घरों में लगने शुरू हो गए हैं, 2024 के लास्ट तक हर घर में स्मार्ट मीटर लग जाना है। अब ये वाला जो लॉस है ये एक बड़ा इम्पैक्ट आपकी जेब पे डालता है। तो इसलिए हम लोगों को जरूरत है कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में जाएं जहां पे हमें लॉसेस जो हैं वो कम से कम देखने को मिलते हो। तो जैसे कि मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियो के शुरू में ही बोला, थोड़ी सी ये फैक्ट पे मैं बात करने वाला हूं। तो अगर आप अपनी लेड एसिड बैटरी को 400 वाट के लोड पर टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकतम 2 या 2.25 मैक्सिमम 2.5 घंटे आपकी बैटरी चलती है। तो आप आइडिया कर सकते हैं कि 2000 वाट की बैटरी 800
वाट का बैकअप आपको मात्र दे रही है। दैट मीन कि 50-60% लॉसेस आपको बैटरी में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो लॉस है ये हर रोज आपको हर चार्ज और हर डिस्चार्ज पे आपको 60% का लॉस हो रहा है। अब दूसरा डिसएडवांटेज जो है लेड एसिड बैटरी का वो ये है कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि लेड एसिड बैटरी फट जाती है। फटने के पीछे रीजन ये है कि इसके जो एनोड और कैथोड है दोनों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहीं भी कोई स्पार्क मिल जाता है तो बम की तरह बैटरी फट जाती है, जिससे बहुत सारी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। तो एक दूसरा ये नुकसान है और तीसरा ये नुकसान है कि ये बैटरी पे बहुत जल्दी सल्फेट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जो बैटरी की जो चार्ज और डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो कम्प्रोमाइज हो जाती है। चौथा जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज है इस बैटरी का वो ये है कि अगर बैटरी को आपने एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में दोबारा से यूज कर लिया तो आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में पहुंच जाती है और आपकी बैटरी अगर डीप डिस्चार्ज में पहुंची तो उस बैटरी को रिकवर करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत लगने वाली है। तो फ्रेंड्स ये कुछ डिसएडवांटेज रहे कि क्यों हमें नई टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपको दो टेक्नोलॉजी में दिखाने वाला हूं। तो पहली टेक्नोलॉजी है 12 वोल्ट के लिए। तो अगर आप अपने घर पे 12 वोल्ट का इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 12 वोल्ट के इन्वर्टर मैक्सिमम आपको 1100 VA 1200 VA तक मिलेंगे, जिनकी अधिकतम लोड कैपेसिटी आपको 800 वाट मिलने वाली है। तो 800 वाट के लोड पे अगर 12 वोल्ट की आपने कोई भी लेड एसिड की बैटरी चलाएंगे तो डेफिनेट 300-400 वाट ही रह जाएगी, पर आपको 1200 वाट पूरा लोड लिफ्ट करना है तो फिर आपको इस टेक्नोलॉजी पर स्विच होना पड़ेगा जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। ये जो सेल है ये 3.2 वोल्ट का लिथियम फेरोफॉस्फेट का सेल है और इस सेल की जो लाइफ है वो है 3500 साइकिल। 3500 बार इस बैटरी को फुल चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी जो लेड एसिड बैटरी है उसकी जो टोटल लाइफ साइकिल होती है वो होती है 700 और इस सेल की जो लाइफ है वो है 3500। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी लेड एसिड बैटरी से 5 गुना ज्यादा लाइफ आपको इस बैटरी से देखने को मिलती है। अब जैसे कि आप इसका डिजाइन देख पा रहे हैं बैटरी का कि ये जो बैटरी है ये 24 वोल्ट की बैटरी है और इसी बैटरी का अगर मैं एक हिस्सा कर दूं, चार सेल कर दूं तो ये 12 वोल्ट की बैटरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो सेल है इसको प्रिज्मेटिक सेल बोला जाता है और इस सेल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस सेल में कभी कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होती हैं, आपको कोई मेंटेनेंस इस बैटरी में आपको देखने को नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात कि ये जो सेल है इसकी जो रेटेड कैपेसिटी है वो है 1C। दैट मीन कि आप एक घंटे के अंदर भी इस बैटरी को फुली डिस्चार्ज करेंगे तो अगर 1100 वाट या 1200 वाट की बैटरी है आपकी 12 वोल्ट की तो पूरा 1200 वाट का बैकअप आपको मिल जाता है। तो आप समझिए टेक्निकली थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है कि 12 वोल्ट 150 AH या 200 AH की बैटरी से 500 वाट और यहाँ पे आपको 1200 वाट अगर आप हाई लोड ड्रेन करते हैं तो एक तो आपको एडवांटेज यहाँ पे ये मिल जाता है। अब दूसरा एडवांटेज आपको यहीं पे ये मिलता है कि इस बैटरी की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है जो DOD है वो है 98%। इसका मतलब कि आप 1-1.25 यूनिट बिजली कंजप्शन में ये बैटरी फुली जो है वो चार्ज हो जाएगी और जब आप डिस्चार्ज इस बैटरी से लेंगे तो लगभग इतना ही डिस्चार्ज आपको इस बैटरी से देखने को मिल जाएगा। जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने सोलर पैनल अपनी छत पे नहीं लगाया है कोई बात नहीं है, बिना सोलर पैनल के भी अगर आपने लेड एसिड बैटरी को इस बैटरी से रिप्लेस कर दिया तो आप निश्चित मानिए कि आपके बिजली बिल जस्ट हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे बिना सोलर पैनल लगाए ही। तो इस बैटरी में जैसे कि आप ये मेरे सामने देख रहे हैं ये स्टील स्टेनलेस स्टील में हम लोग 12 वोल्ट की वाली बैटरी बनाते हैं और ये 12 वोल्ट की एक बैटरी के अंदर अधिकतम जो वजन है वो है 12 किलोग्राम और इसके अंदर बैटरी के अंदर क्या है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये जो सेल है ये बैटरी के अंदर लिथियम फॉस्फेट का सेल लगा हुआ है, इस सेल में कभी जलने की फटने की कभी कोई संभावना नहीं है, दुनिया का सबसे सेफेस्ट सेल माना जाता है। तो ये जो बैटरी है ये 100 AH की बैटरी है और 12.8 वोल्ट की बैटरी है, मतलब कि 1200 वाट का आप डिस्चार्ज इस बैटरी से ले सकते हैं और 1200 वाट का मतलब ये है कि अगर आप 500 वाट का डिस्चार्ज इस बैटरी से ले रहे हैं तो करीब 2.25 घंटे और अगर 800 वाट का भी डिस्चार्ज इस बैटरी से ले रहे हैं तो भी करीब 1.5 घंटे आपको ये बैटरी बैकअप दे देती है। इस बैटरी को किस तरह आप आपके इन्वर्टर पे लगाना है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा और किस इन्वर्टर पे आप इसको लगा सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है पर फिर भी एक सवाल का आपके का और आंसर देना चाहूंगा। मेरे कई सारे व्यूअर्स के मुझे फोन आते हैं सर मार्केट में जो है आपकी बैटरी महंगी है और लिथियम फॉस्फेट की बैटरी जो है सस्ती मिल रही है। तो फ्रेंड्स उसका सिर्फ एक रीजन है कि अब से पहले ये लिथियम की जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिया में आए हुए बामुश्किल 1-2 साल हुए हैं जो ठीक से आई है, पर चाइना में आज से 10 साल पहले से ये टेक्नोलॉजी चल रही है। तो चाइना के लोग बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने क्या किया उन्होंने उस बैटरी को जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेल की जो लाइफ है वो है 3500 साइकिल,
तो उन्होंने क्या किया, इसमें से 2000 साइकिल यूज किए और 1500 साइकिल की बैटरी को इंडिया में, 1500 साइकिल वाले सेल जिसमें 1500 साइकिल की लाइफ बची, उस सेल को इंडिया में भेज दिया, दोबारा से उसको रिफर्बिश्ड कर दिया और इंडिया में उसको बी ग्रेड सेल बोल के बेच दिया। अब उस सेल का क्या है कि दिखने में सेल बिल्कुल फ्रेश लगेगा, पर चूंकि उस सेल का 2000 साइकिल पहले ही यूज हो चुका है या 1500 साइकिल पहले ही यूज हो चुका है, तो चाइनीज ने तो अपनी कॉस्ट पूरी निकाल दी, पर इंडिया के लोग सस्ते के चक्कर में उसको ले आए और इसीलिए इंडिया में बहुत लंबी वारंटी आपको लिथियम फॉस्फेट पर देखने को नहीं मिलती है। नेक्सस पहली ऐसी कंपनी है जो अपनी बैटरी पे 15 साल की वारंटी यहाँ पे आपको ऑफर कर रही है कि 15 साल के अंदर भी अगर आप अपनी बैटरी को खराब कर लेते हैं तो 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे हम आपको नई बैटरी दे देंगे। तो मतलब अगर स्क्रैप वैल्यू की बात करो तो 15 साल के अंदर ये बैटरी जितने रुपए में आप खरीद के ले जा रहे हैं, 15 साल बात लिथियम की स्क्रैप वैल्यू इतनी हो जानी है कि आपकी 50% ही इतना हो जाएगा कि जितने में आपने बैटरी खरीदी थी। तो मतलब आप समझिए कि केवल पैसे के ब्याज में आप ये बैटरी चला सकते हैं। अगर पर डे की बात करूं तो पर डे आपको इस बैटरी से बचत देखने को मिलती है। तो अब फ्रेंड्स बात यह है कि आप किस इन्वर्टर पे इस बैटरी को लगा सकते हैं, अगर आपने पहले से आपके घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है तो किस इन्वर्टर पे आप इसको लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, ये नेक्सस का 12 वोल्ट का AVR सोलर PCU है। अब इस तरह का ही अगर आपके पास में कोई और किसी कंपनी का मॉडल हो सकता है। अब बात यह है कि इसको आप किस तरीके से अपने जो इन्वर्टर है उस पर लगाएंगे। तो आपको पहले इन्वर्टर पर लगाने के लिए एक एंडरसन कनेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेल फीमेल है, ये स्विच हो गए। तो आपको अपने इन्वर्टर के बैक में ये एंडरसन कनेक्टर लगाना है, बैटरी में इंडक्शन कनेक्टर आपको ऑटोमेटिकली लगा मिलने वाला है। अब दूसरी बात, जो आपका इन्वर्टर है उसके अंदर एक फीचर होना चाहिए, अगर आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरी डालनी है तो ये फीचर ये है सामने कि अगर आपके इन्वर्टर में आप वोल्टेज चार्जिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं तो फिर आप ये लिथियम फॉस्फेट की बैटरी अपने इन्वर्टर पर लगा सकते हैं। तो जैसे कि ये देख रहे हैं इस इन्वर्टर के अंदर सेट बैटरी बूस्ट वोल्टेज जो है 14 वोल्ट हमने कर दिया, तो 14 वोल्ट जो है ये इसका मैक्सिमम रख दिया हमने कि मैक्सिमम जो है हमारी इन्वर्टर हमारी बैटरी को 14 वोल्ट तक चार्ज करे। इसमें डिस्चार्जिंग भी आपको सेट करनी है, तो आप लोकट देख रहे हैं, लोकट 11 वोल्ट पे है तो 11 वोल्ट पे सेट कर दिया है। तो अगर आपके पास में इस तरह का कोई भी इन्वर्टर है जिसमें बैटरी का लोकट और हाईकट अगर आप सेट कर सकते हैं, ये चाहे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सेट कर सकते हैं या फिर जो इन्वर्टर के अंदर प्रीसेट दिए होते हैं प्रीसेट से सेट कर सकते हैं, फिर ये इस बैटरी को आप किसी भी इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। जो करंट है चार्जिंग करंट आप 15 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं, 20 से कर सकते हैं, 25, 30 जितने आप चाहें, इवन 50 एम्पियर से भी इस बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आपने लेड एसिड बैटरी को 50 एम्पियर से चार्ज कर लिया तो बैटरी आपकी 2 महीने में खत्म हो जाएगी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगा है तो 24 वोल्ट के इन्वर्टर के लिए हम ये वाली बैटरी बनाते हैं। जैसे कि ये बैटरी मैंने जानबूझ के खुलवाई हुई है और ये जो सेल मैंने आपको दिखाई है 24 वोल्ट के ही है। तो आप बैटरी में देखें इस तरह बैटरी में ये 24 वोल्ट के सेट लग जाते हैं। ये बैटरी बनाई जा रही है, अभी इसमें BMS नहीं लगा है, तो ये BMS इस तरह का इसमें लगाया जाता है और ये 24 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। तो आप साइज देख रहे हैं इसका, बैटरी का करीब 20 किलो वजन और ये एक प्रीमियम आपको डिजाइन यहाँ देखने को मिलता है। तो इस बैटरी के अगर मैं आपको बैकअप की बात करूँ फ्रेंड्स, तो अगर आपके रात भर आपका कूलर चलता है तो रात भर ये कूलर चला सकता है। अगर सोलर एसी आपने लगाया हुआ है तो ये बैटरी इतनी पावरफुल भी है कि अगर अच्छी कंपनी का सोलर एसी आपने लगाया हुआ है और दिन भर वो चला है तो सोलर एसी मात्र 400-500 वाट पे चलता रहता है। तो ये बैटरी 5-6 घंटे आपके सोलर एसी को भी चला सकती है। इतनी पावरफुल ये बैटरी है कि 2000 वाट तक का आपको डिस्चार्ज आप 1 घंटे के अंदर इस बैटरी से ले सकते हैं। बैटरी की कैपेसिटी की बात करूं तो 2500 वाट की इस बैटरी की कैपेसिटी है, जिसका मतलब यह है कि 500 वाट घंटे का अगर आप लोड यूज कर रहे हैं तो 5 घंटे ये बैटरी आपको बैकअप दे सकती है। तो फ्रेंड्स ये तो हुई बैटरी की बात कि कौन सी बैटरी अगर आप आज की डेट में आपको अपने घर पे लगानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बोला कि इस बैटरी की प्राइसिंग सस्ती रहने वाली है। तो फ्रेंड्स इस बैटरी की जो प्राइसिंग है ये 33,000 रुपए, 33,000 इस बैटरी की प्राइसिंग है इंक्लूडिंग GST। और आपको नॉर्मल जो ट्यूबलर बैटरी है, जो बैटरी 1200 वाट का बैकअप देती है, वो होती है 200H की लेड एसिड की बैटरी। अब 200H की लेड एसिड की C10 बैटरी भी आप लेंगे तो मार्केट में 17,000 से 18,000 रुपए की आपको C10 बैटरी मिलने वाली है। और ये बैटरी आपको मिली 33,000 रुपए की, मतलब कि जस्ट आप मान सकते हैं कि दूनी रेट में मिली, मैं दूना ही मान लेता हूं कि दूना ही रेट में मिली, फिर भी ये बैटरी सस्ती है। अब बैटरी सस्ती इसलिए है क्योंकि 5 गुना ज्यादा लाइफ मिलती है। हर रोज आपकी एक 200H की बैटरी को चार्ज करने के लिए, जिससे 1200 वाट को आपको बैकअप लेना हो, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हर रोज आपके 3 यूनिट लगने वाले हैं। 10 रुपए यूनिट भी मैं बात करूं तो 30 रुपए की बिजली आपको 200H की एक बैटरी को चार्ज करने में लगने वाली है। अब इसी बैटरी को चार्ज करने में आपकी लगने वाली है 1.2 यूनिट, तो ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 रुपए की बिजली आपको लगने वाली है।
तो 18 रुपए हर रोज की बिजली आपकी ये सेविंग हो रही है, लगभग 500 रुपए महीने आप इस बैटरी से सेविंग कर सकते हैं। एक साल के अंदर सेविंग हो जाती है 6000 रुपए की, और बैटरी की वारंटी जो है वो है 15 साल, तो 90,000 रुपए की तो ये बैटरी केवल आपकी बिजली में बचत कर देगी, 90,000 रुपए। इसके बाद 15 साल आप चलाइए, 15 साल के लास्ट के बाद में 50% पे आप इस बैटरी को नेक्सस से रिप्लेस भी करा सकते हैं। अब जब रिप्लेस आप कराएंगे तो उस पर जीएसटी हट जाएगी, ये बैटरी मैं आपको विद जीएसटी बता रहा हूं, तो जीएसटी अगर हम हटा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए में 15 साल बाद आपको नई बैटरी मिल जाएगी। तो मात्र 15,000 रुपए आपने खर्च किए, 15 साल तक आप टेंशन फ्री हो गए। बैटरी की एक्चुअल लाइफ तो 20-25 साल है इसकी, पर मैं 15 साल की बात कर लेता हूँ जितनी हम वारंटी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर टेक्निकली आप सोच के देखेंगे तो इससे बेस्ट बैटरी आपके लिए नहीं हो सकती है। हर रोज आपको सेविंग करके ये बैटरी दे रही है, नो मेंटेनेंस है, इतना ब्यूटीफुल सा डिजाइन है। इसके अलावा हम एक मॉडल ये बनाते हैं इसका, एक मॉडल ये बनाते हैं, इसके अलावा कुछ और भी मॉडल्स में हम आपको ये वाली बैटरी प्रोवाइड करा सकते हैं, कुछ और भी खूबसूरत से मॉडल हम इस बैटरी में बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि 12 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक की डोमेस्टिक के लिए, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ई व्हीकल के लिए, कार के लिए आपको लिथियम की कोई भी बैटरी चाहिए तो नेक्सस के पास में आपको कंप्लीट रेंज मिलने वाली है। इंडिया में सबसे बड़ी लिथियम बैटरी की रेंज, लिथियम इन्वर्टर की रेंज नेक्सस के पास है, और हमारा दावा है कि हमसे सस्ती बैटरी आपको इंडिया में दूसरी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप लिथियम बैटरी में कोई भी बैटरी लेने का प्लान कर रहे हैं, एक बार नेक्सस की बैटरी को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।